So now today we will talk about first of all immunity. Immunity that is also called सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. That is also called disease resistance. Okay बच्चों immunity that is also called disease resistance. बीमारियों से बचने की आपकी कैपेसिटी आपकी कैपेबिलिटी दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. ओके सो राइट डाउन इसमें लिखो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द डेवलपमेंट टू रेजिस्ट the development of a disease to resist the development of a disease while the infected person with no disease is called immune. That is called immune. कुछ बात समझ में आई सभी बच्चों को? हाँ बच्चों जिज्ञासा प्रीति राजेश रत्न प्रिया सुप्रीति ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन कुछ समझ में आई? इम्यूनिटी क्या है जो आपको डिजीज से प्रोटेक्ट कर रही है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये आपकी इम्यूनिटी जो होती है उस ऑर्गेनिज्म को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है डिजीज से. ठीक है और जब उस पर्सन के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होती है यानी वो बिल्कुल हेल्दी है बिल्कुल बढ़िया है उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है तो आप उसको क्या कहते हो इम्यून पर्सन कहते हो दैट इज कॉल्ड इम्यून पर्सन. राइट बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोविड की वैक्सीन जब तक नहीं ली थी आई वॉज सेंसिटिव मैं सेंसिटिव था कोविड के लिए क्योंकि हो सकता था वो कोविड मेरी बॉडी के अंदर आए मुझे भी पॉजिटिव करते. लेकिन जब मैंने वैक्सीन ली एंड देन उसके कुछ टाइम के बाद मेरे अंदर उस कोविड के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो नाउ अब मैं क्या बन चुका हूँ उसके लिए इम्यून बन चुका हूँ अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है. इज इट क्लियर नाउ? आप सभी को बात समझ में आई? न्यूज वगैरह में कि अगर आप कोविड का वैक्सीन भी लेते हैं फिर भी आपको मतलब चांसेस बहुत कम रहते हैं लेकिन होता है चांसेस हो जाने का कोविड. अब तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ. नाउ समझना इस चीज को जिज्ञासा ने जो बात बोली बैठो सारे समझ. आप जब किसी भी वैक्सीन को लेते हो व्हेन यू टेक अ वैक्सीन कोई भी वैक्सीन लेते हो तो आपके जो बचने के सर्वाइवल करने के चांसेस है वो 99.99% यू कैन से 99% चांसेस कि भाई आप सर्वाइव करोगे आपको बीमारी नहीं होगी. लेकिन 1% चांस ऐसा होता है कि मे बी आप अगेन क्या हो जाओ इन्फेक्टेड हो जाओ. 1% चांस है 100% श्योरिटी नहीं दी जाती किसी भी चीज में आपको 100% श्योरिटी नहीं दी जाएगी. कोई भी वैक्सीन आप लगवा लीजिए उसमें 100% श्योरिटी नहीं होगी. 99% श्योरिटी है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे 1% चांस होगा कि आप बीमार पड़ सकते हो. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. क्या ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है आप लोग? यस क्या होता है मैंने क्या बताया था इसके बारे में? सर म्यूटेशन मींस द वायरस आर द माइक्रोब्स व्हिच चेंज इट्स फॉर्म टू अटैक. नॉट ओनली वायरस एंड माइक्रोब्स कैंसर एंड म्यूटेशन इज अकर इन ऑल लिविंग्स. It is occur in DNA. No, sir, अभी आप COVID की बात कर रहे तो उसी से related मैंने वायरस बोला. Okay. तो म्यूटेशन जो होगा वैसे आपका DNA में होता है. तो क्या होता है म्यूटेशन में? That is sudden changes in DNA. ठीक है आपके DNA, chromosomes, इनमें जब suddenly changes आ जाते हैं अचानक से कुछ changes हों तो उसको आप कहते हैं म्यूटेशन. तो because of this mutation क्या creates होते हैं? That will create variation. ये वेरिएशन बनाता है म्यूटेशन की वजह से क्योंकि डीएनए में चेंजेस आ गए और डीएनए में चेंजेस आ गए तो मतलब आपका वेरिएशन आ गया. मतलब जो पुराना वाला ऑर्गेनिज्म था उसने अपने अंदर डीएनए में कुछ चेंजेस करे और अपने एक नई वैरायटी बना ली. तो इस वजह से वेरिएशन की वजह से म्यूटेशन की वजह से 1% चांस होता है कि आपको वापस से वो बीमारी हो जाए.
इज इट क्लियर नाउ? जिज्ञासा, रत्न प्रिया, सुप्रीति, अब सभी को क्लियर वाली बात? यस सर। राइट, अब इसको थोड़ा ध्यान से और सुनना, समझना, इस चीज को समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग बात करेंगे, बहुत इजी सा एग्जांपल है, ठीक है? कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों, आपका लाइफ बॉय का एग्जांपल देखा है आप सभी ने? आपने लाइफ बॉय का एग्जांपल, लाइजोल का एग्जांपल देखा ही होगा सभी ने, राइट? सोच रहे होंगे सर कहां ले गए लाइफ बॉय में हमें, बट आपको मैं रिलेट करवाऊंगा म्यूटेशन किस तरह से। आपने लाइफ बॉय या डिटॉल, मतलब लिखा रहता है इट किल्स जर्म्स अबाउट 99.99%। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइफ बॉय, डिटॉल्स, लाइजोल, ये जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं, इनका जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो जो जिज्ञासा ने कहा दैट इज राइट, वहां लिखा होता है कि दैट विल किल 99.99% जर्म्स, इतने जर्म्स को ये किल कर देगा, लेकिन 100% नहीं बोलते, राइट? कभी नहीं कहते कि 100% जर्म्स को किल कर देंगे, पहली चीज तो। दूसरा, आपने वहां पे डायग्राम देखा होगा पीछे एडवर्टाइजमेंट में कि शुरू में दो पिक्चर्स दिखाते हैं, एक तो डिटॉल यूज करने से पहले, एक डिटॉल यूज करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर। यस सर, जैसे लाइफ बॉय में अगर हाथ में जर्म्स हो तो काला काला वैसे कुछ दिखाते वो हैं। इस तरह के जर्म्स दिखाते हैं बिफोर, राइट? आपने जब तक हैंड वॉश नहीं किया तब तक आपको इस तरह से बहुत सारे जर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है? एंड जैसे ही आपने यूज किया उसके बाद आपको एक जर्म दिखाई देगा बस, और बाकी सारा व्हाइट कलर का साफ साफ हो जाता है। ये चीज कभी किसी ने देखी है बेटा? आप लोगों ने, प्रीति, राजेश, आई गॉट इट जिज्ञासा, तुम्हारे रिप्लाई से मुझे पता चल रहा है। आई एम आस्किंग टू अदर ऑल्सो बच्चों, प्रीति, राजेश, रत्नप्रिया, सुप्रदीप, आप लोगों ने देखा है ये कभी? यस सर, राइट? और नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ बॉय का यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब डिटेल्स पे एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं इनके, दिखाते हैं, आप सर्च करोगे वहां मिल जाएंगे, तो आपको साफ नजर आएगा। अब यहाँ पे बेटा, जब पहले तो बहुत सारे जर्म्स थे, यूज करने के बाद केवल एक जर्म बचा, ये है वो जर्म जिसने खुद के अंदर म्यूटेशन कर लिया, इसने अपने आप को म्यूटेशन करके चेंज कर लिया, मतलब अब ये डिटॉल के लिए, लाइफ बॉय के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, इसका असर डिटॉल का, लाइफ बॉय का इस पे नहीं हुआ, इसलिए ये खुद को बचा लिया इसने, बाकी सारे किल हो गए। अब क्लियर तुम्हें आंसर मिल गया? जिज्ञासा, ऐसा क्यों होता है हम कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें 99.9% चांसेस देते हैं? सभी को क्लियर ये वाली बात बच्चों? चलो अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इम्यून आपने समझ लिया, अब आ जाओ अगले पॉइंट। सर, आपने इम्यूनिटी की डेफिनेशन में विथ नो डिजीज के बाद क्या लिखा है? इज कॉल्ड, कॉल्ड, यस सर, दैट्स माय शॉर्ट फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड इम्यून। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय immune system which forms a specific defense mechanism, of an organism. ठीक है, नेक्स्ट में लिखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इट इज that it can differentiate between self
एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्स पार्टिकल्स, ऐसे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पे मैंने। सर जो आपने सेकंड पॉइंट में लिखा है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो एंटीबॉडीज होते हैं क्या? हाँ, इट इज प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम व्हिच फॉर्म्स स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है जिज्ञासा। यस सर। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ये अपनी खुद की सेल्स और फॉरेन पार्टिकल्स, नॉन सेल्फ पार्टिकल्स का मतलब है फॉरेन पार्टिकल्स, इनको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है, यानी पहचान सकता है आपका इम्यून सिस्टम की उसकी खुद की सेल्स कौन सी हैं और कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी कौन से माइक्रोब्स हैं, इन दोनों में इजिली डिफरेंशिएट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके इम्यून सिस्टम का, दैट्स वाई आपके फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फिर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। अगर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा भाई कि चोर कौन है तो फिर पकड़ेगा कैसे भाई? अगर पुलिस, सपोज करो इट इज लाइक अ पुलिस, जैसे पुलिस को आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई 10 लोगों में कि चोर कौन है, ठीक है, तभी तो उस चोर को आइडेंटिफाई करके उसको पहचानेंगे कि अच्छा यार ये है चोर, इसने चोरी करी थी, इसको अलग करो। तो सेम वही चीज आपका इम्यून सिस्टम कर रहा है, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, पहचानेगा भाई इसमें से कौन सा आपका पैथोजन है, कौन सा फॉरेन पार्टिकल है। अगर फॉरेन पार्टिकल को पहचान ही नहीं पाएगा इम्यून सिस्टम तो आप हर टाइम बीमार रहोगे। Am I right or wrong? Getting my point, Subhridip? Yes, sir. Okay, Rajesh. So, मतलब जब antigen enter करते body में वो तुरंत मतलब identify कर देता है। हाँ, right. रत्नप्रिया, प्रीति, is it clear ना आप सभी को? Yes, sir. है ना, क्योंकि आपका immune system जब antigens को यानी foreign particles को पहचान ही नहीं पाएगा तो उनके लिए antibodies कैसे बनाएगा? फिर तो आपके foreign particles आपको बीमार कर देंगे बहुत ज्यादा। आप हर टाइम बीमार रहोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं होता, आप हर टाइम बीमार नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मोस्टली टाइम इनको पहचानता है, इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको किल करता है, बट कभी कभी किल नहीं कर पाता एंड देन आप बीमार पड़ जाते हैं। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना, मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम are two types. Two types of lymphocyte. आपके immune system में दो तरह की lymphocytes होती है, ठीक है? There are two types of lymphocytes in your immune system. क्या नाम होता है? कौन बताएगा मुझे? इन लिम्फोसाइट्स का नाम क्या होता है, कोई बताएगा बच्चों? जिज्ञासा, प्रीति, यस, लिम्फोसाइट्स जो मैंने यहाँ पे लिखवाए आपके इम्यून सिस्टम में दो टाइप्स की होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं इनके? एनी गैस? तो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैंने कहीं भी पढ़ा था। सर टी सेल्स और बी, सर टी सेल्स एंड बी सेल्स, राइट, डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट 1 करोड़ क्वेश्चन, गलत आंसर दे दोगे तो क्वेश्चन आंसर पैसे जो मिल रहे हैं वो चले गए। सही बोल रहे हो, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इनको आप टी सेल्स भी बोलते हो और बी सेल्स भी कहते हो, ये दोनों ही आपके इम्यून सिस्टम की मेन सेल्स हैं, ये दोनों ही आपको एंटी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, नाम में ही मतलब छुपा है बेटा। टी लिम्फोसाइट्स ये कहां फॉर्म होंगी? दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड थायमस, जो आपकी थायमस होती है आपके, वहां पर आपका टी सेल्स का यानी टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, जबकि बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है ये बनती है आपकी, दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड बोन मैरो। तो जहां पर ये फॉर्म होती हैं उन्हीं जगहों के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। बोन मैरो से बी ले लिया तो दैट इज बी लिम्फोसाइट्स, थायमस से टी ले लिया तो दैट इज टी लिम्फोसाइट। इज इट क्लियर? सर बोन मैरो का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? बोन मैरो आपका देखो बोन के अंदर भरा हुआ होता है, इट्स अ पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ बोन,
यहाँ पे आपका ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, इनमें स्टेम सेल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बोन मैरो के अंदर देखो सबसे पहले तो आपका क्या आता है, यहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स फॉर्म होती है यहाँ पर। और ब्लड सेल्स भी स्पेशली कौन सी आपकी, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आपकी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन यहीं पर ही होती है, ठीक है, ये आपकी यहाँ बनती है। इसके अलावा बोन मैरो में क्या होता है, दैट हैव स्टेम सेल्स, इनमें स्टेम सेल्स भी होती है, और ये स्टेम सेल्स क्या करती है, दैट फॉर्म ऑर्गन्स, ये ऑर्गन बनाती है। आपकी बॉडी में जब ऑर्गन्स बनते हैं ना स्टार्टिंग फेज में, जायगोट से जब एम्ब्रियो बनता है और उसमें जब ऑर्गन्स बनते हैं तो वो इन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं, तो इनके अंदर ऑर्गन्स बनाने की कैपेसिटी होती है, दे शो टोटिपोटेंसी, इसको आप बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी आपके हिसाब से अभी बहुत हाई लेवल का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब मैंने ऊपर बता रखा है, टोटिपोटेंसी का मतलब होता है नए ऑर्गन्स बनाना, दैट मीन्स डेवलप अ न्यू ऑर्गन्स। आज भी अगर हम लैब में कोई नया ऑर्गन बनाते हैं ना बच्चों, व्हेन वी फॉर्म आवर न्यू ऑर्गन्स, तो वो हम स्टेम सेल की हेल्प से ही बनाते हैं। इज इट क्लियर नाउ जिज्ञासा एंड बाकी बच्चों को, क्लियर वाली बात रत्नप्रिया? यस सर। सुप्रदीप, इज इट क्लियर टू एवरीवन ना बच्चों? प्रीति, राजेश, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया, दैट इज बोन मैरो, आपका ये बोन मैरो का काम होता है, बी सेल्स आपकी जो बन रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें डब्ल्यूबीसी में ही आपके बी सेल्स, टी सेल्स आते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन आपकी कहाँ हो रही है, बी सेल्स की बोन मैरो में होती है, और टी सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके लिम्फोसाइट्स में होती है। नाउ एक सिंपल से वर्ड में बताता हूं, आपका बी सेल्स जो है ये बनाती है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये आपका एंटीबॉडीज बनाती है बी सेल्स, ठीक है, लेकिन टी सेल्स आपकी हेल्प करती है, दैट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी अकेले एंटीबॉडीज आपकी बी सेल्स नहीं बना सकती, उनको टी सेल्स की हेल्प चाहिए होती है, टी सेल्स के साथ मिलकर फिर बी सेल्स आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसीलिए आपको मैंने क्या बोला, आपका इम्यून सिस्टम की जो मेन सेल्स हैं वो कौन सी हैं, आपकी टी सेल्स और बी सेल्स, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बना रही है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? बच्चों इज इट क्लियर? जिज्ञासा इज इट क्लियर? प्रीति, राजेश, रतनप्रिया? यस सर। ग्रेट, ठीक है, जस्ट राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, ये लिख लिया आप लोगों ने सभी पॉइंट्स? यस सर। चलो अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, अलग से नोट करके लिखना, आपने ये तो देख लिया कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बना रही है, टी सेल्स आपका हेल्प कर रही है, इसके अलावा टी सेल्स एक काम और कर, टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स अटैक एंड किल द माइक्रोब्स, अटैक एंड किल द माइक्रोब्स by producing toxic chemicals like lymphotoxin, like lymphotoxins and cytolysin, ये दो केमिकल्स हैं जिनको आपके टी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और जिनकी हेल्प से ये फिर माइक्रोब्स को किल करती है, तो राइट डाउन दीज टू नेम्स, लिम्फोटॉक्सिन्स और बच्चों आपके साइटोलाइसिन। क्लियर बात? डन, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? जिज्ञासा, प्रीति, राजेश, रतनप्रिया, कोई डाउट बच्चों यहां तक? नो सर। ओके, वैक्सीनेशन कल भी मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि भाई आप जब वैक्सीन को यूज करते हो जिससे आप लोग बीमारी से बच सको तो दैट इज कम्स इनटू वैक्सीनेशन, ठीक है, इसमें लिखो
In this method, a vaccine that will act as antigen. वैक्सीन आपका क्या काम कर रही है? एंटीजन का काम कर रही है, क्योंकि इसमें इनएक्टिव वायरस होता है. इज इनोकुलेटेड. बेटा इनोकुलेटेड का मतलब इंसर्ट करना, दैट मीन्स इंसर्ट. इनोकुलेटेड इनसाइड द बॉडी. Inside the body before the occurrence of disease, before the occurrence of disease, to stimulate the immune cell to produce antibodies. ओके बच्चों, कुछ बात समझ में आई? वैक्सीनेशन में आपने क्या किया, जो मैंने लास्ट क्लास में देखा था, आपने वैक्सीन ली. वैक्सीन किसकी तरह काम कर रही है? एक एंटीजन की तरह, क्योंकि इसमें इनएक्टिव वायरस है. वो आपने बॉडी के अंदर डाली, बीमारी होने से पहले आपने वो वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर डाल दी. जब वो वैक्सीन आपने अपनी बॉडी में डाली, तो आपके इम्यून सेल्स ने क्या किया, आपकी इम्यून सेल्स ने उस एंटीजन के लिए, यानी उस वैक्सीन के अगेंस्ट, उस वैक्सीन में जो आपका एंटीजन था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली. यानी आपको बीमारी भी नहीं हुई और आप इम्यून हो गए उस बीमारी के लिए. इज इट क्लियर? समझ में आई बात बच्चों सभी को? जिज्ञासा, प्रीति, राजेश, प्रतिभा, चलो. यस सर. वेरी गुड. चलो ठीक है, तो आप अलग से एक पॉइंट लिखना. वैक्सीन हैज एंटीबॉडीज. ए बी का मतलब होता है बच्चों एंटीबॉडीज, और ए जी का मतलब होता है दैट इज एंटीजन्स. आप ऐसे भी लिखते हो उनको शॉर्ट फॉर्म में. Vaccines has antibodies generating agents. इसमें आपके एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट्स होते हैं. That is. अब आ जाओ now next one. Is it done बच्चों? लिख लिया ये चीज आप लोगों ने?